नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारा उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। खबरों की शुरुआत करते हैं। हाईकोर्ट ने सरकार को प्रदेश में 8 हफ्तों में लोकायुक्त की नियुक्ति करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने आदेश के अनुपालन की रिपोर्ट पेश करने के निर्देश देते हुए नियुक्ति तक लोकायुक्त कार्यालय में खर्च पर रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था कि लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए अब तक क्या किया और संस्थान जब से बना है तब से इस पर कितना खर्च हुआ है। वो चूंकि एक नया एक्ट बनना था और नए एक्ट के बाद जो है उस पर विधानसभा की प्रवर समिति उस पर काम कर रही है। प्रवर समिति का अभी निर्णय नहीं आया है। प्रवर समिति का निर्णय आएगा तो उसके बाद ही जो है उस पर सरकार कार्रवाई करेगी। हम तो शुरू से जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड की बात करते हैं और हमारी ही पहल थी कि जो है एक भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो है एक बड़ी लड़ाई होनी चाहिए, भ्रष्टाचार मुक्त भारत होना चाहिए। उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज पूरे देश के अंदर एक नई कार्य संस्कृति भ्रष्टाचार मुक्त भारत की दिशा की ओर आगे बढ़ रही है, उसको उत्तराखंड में भी हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। देहरादून के एक निजी होटल में महिला आयोग के अध्यक्ष कुसुम कंडवाल के नेतृत्व में निर्भय भारत सशक्त नारी विषय पर एक दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि रायपुर विधायक उमेश शर्मा काव ने शिरकत की। इस दौरान रंगारंग प्रस्तुतियों के साथ महिला सशक्तिकरण हेतु कानूनी एवं वित्तीय जागरूकता को लेकर चर्चा भी की गई। महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल और रायपुर उमेश शर्मा काव ने कहा कि महिला आयोग हमेशा ही महिला सशक्तिकरण को लेकर तत्परता से काम करता है। साथ ही उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को भी जागरूक किया जा सके, इसलिए आयोग द्वारा लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में धरातल पर उतरकर महिलाओं को जागरूक करने की कोशिश की जाती है। राष्ट्रमंडल महिला आयोग के सौजन्य से उत्तराखंड राज्य महिला आयोग इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहा है और जिस प्रकार से कि महिला सशक्त हो, महिला प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ रही है कि उस तरह से ये सब चीजों को लेके हम लोग की वास्तव में महिला सशक्त हो रही है, लेकिन अभी कहीं हमें जागरूकता की आवश्यकताएं हैं तो समय समय पर महिला आयोग जागरूकता के कार्यक्रम आयोजित करता है। इसमें महिलाओं को लेकर कि महिलाओं के विभिन्न मुद्दों को लेकर वह महिला अपने सशक्तिकरण की जानकारी तो देते हुए केंद्र की सरकार जो ये हमारा महा जनसंपर्क अभियान चल रहा है और उसमें हमारी जो महिला आयोग है जो उनके द्वारा ये कार्यक्रम आज किया गया है इसी के है कि हमारी जो बेटियां हैं उनको संरक्षण ज़्यादा से ज़्यादा हो, उन पे जो भी अत्याचार या किसी भी तरह के उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है उसको रोकथाम करने का काम हमारे महिला आयोग में किया जाता है। जब भी कोई शिकायत मिलती है इन हमारी जो कुसुम कंडवाल जी हैं बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और अपनी पहचान छुपाकर लगातार उत्तराखंड में नाबालिग लड़कियों को बहला फुसलाकर भगाने और लव जिहाद के मामले सामने यहां पर आ रहे हैं, जिसे लेकर बीजेपी सरकार और पुलिस बेहतर काम कर रही है, ये कहना है बीजेपी विधायक उमेश शर्मा काव का। बता दें कि महिला आयोग के निर्भय भारत सशक्त नारी कार्यक्रम में पहुंचे बीजेपी विधायक ने लव जिहाद के मामले पर कहा कि सरकार इस ओर पूरा ध्यान दे रही है और जरूरत पड़ी तो इसके लिए सख्त कानून भी लाए जाएंगे। उमेश शर्मा काव ने कहा कि इस मामले पर बीजेपी सरकार तत्परता से काम कर रही है। वहीं इस पर महिला आयोग के अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने कहा कि इसके लिए हम लगातार परिवारों से बात कर रहे हैं। राज्य में लव जिहाद के मामले तेज होने पर बीजेपी सरकार तत्परता से काम कर रही है, पुलिस प्रशासन तत्परता से काम कर रहा है, ये इस कार्यक्रम के दौरान यहां पर कहा गया और इस पर सरकार और महिला आयोग सख्त है ये भी कहा गया है। महिला आयोग
अपने उत्तराखंड पुलिस के साथ में महिला हेल्पलाइन, महिला डेस्क और डीजीपी सभी को लेके एक कार्यक्रम आयोजित किया था। पूरे उत्तराखंड महिला पुलिस को लेके हमने कार्यक्रम किया था कि महिलाओं की जहां सुरक्षा की बात होती है, मेरा कहना है कि महिलाएं अगर थाने या पुलिस में आ रही है, महिलाओं कहीं भी अगर वो आ रही है तो भटके नहीं, वो पुलिस तुरंत उनकी कंप्लेंट को एक्सेप्ट करे। और सरकार उस ओर बहुत ध्यान कर रही है और उसके लिए नए नए कानून की भी अगर जरूरत हुई तो कानून भी लाएंगे, लेकिन इस समय लव जिहाद हो या अपने पहचान छुपाकर इस तरह के जो भी कार्य किए जा रहे हैं उस पर हमारी सरकार पूरी तत्परता के साथ काम। चारधाम यात्रा अपने चरम पर है, ऐसे में यात्रियों के द्वारा धामों में दर्शन करने के दौरान यात्रियों द्वारा चलती गाड़ी से प्लास्टिक की खाली बोतलें और प्लास्टिक के खाली रैपर सीधे सड़कों पर फेंके जाते हैं, जिससे पहाड़ों में बदलता मौसम, हवा या बारिश से सीधे मां गंगा में गिर जाते हैं, जिससे मां गंगा प्रदूषित होती है। इसे देखकर नेचर्स बर्डी एनजीओ की टीम ने गंगोत्री से उत्तरकाशी की ओर 80 किलोमीटर की दूरी तक 40 बोरी प्लास्टिक बोतलें उठाकर कबाड़ा करने वाले व्यवसाय को निशुल्क जमा किए। इन 40 बोरों में करीब 7,480 प्लास्टिक की बोतलें थीं जो सड़क के दोनों ओर से एकत्रित की गई थीं। आपको बता दें कि वहीं नेचर्स बड्डी एनजीओ से अभिषेक रावत का कहना है कि धामों के दर्शन करने के दौरान यात्रियों द्वारा फेंकी गई प्लास्टिक की बोतलें और प्लास्टिक रैपर मां गंगा में सम्मिलित हो रहे हैं और वहीं मां गंगा प्रदूषित भी हो रही हैं। इसे ध्यान में रखते हुए हमारी टीम लगातार प्लास्टिक बोतलें उठाकर कबाड़ करने वाले व्यवसायियों को निशुल्क जमा करा रहे हैं ताकि उनको भी आर्थिक रूप से मदद मिल पाए। और हमारी जो संस्था है वो पर्यावरण और वाइल्ड लाइफ के ऊपर काम करती है। हम एक साल पहले जब गंगोत्री के दर्शन करने आए तो हमने देखा कि सड़क के कोने में बहुत सारे प्लास्टिक की बोतल फेंकी गई। हमारे अंदर एक सवाल आया कि प्लास्टिक की बोतल और ये प्लास्टिक का रैपर कहाँ से आया। फिर उसके बाद हम इस साल एक प्रेरणा लेकर आए कि हम माँ गंगा के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो हमने ये ठाना कि हम इस साल गंगोत्री से लेके मनेरी तक जो आपका 80 किलोमीटर का जो रूट है हम उसमें रूट के लेफ्ट और राइट दोनों रोड में प्लास्टिक की बोतल इकट्ठा करेंगे। ये वो प्लास्टिक की बोतल है जो मुसाफिर जो चार धाम के जो यात्री होते हैं वो अपनी चलती हुई गाड़ी तो फेंक देते हैं मगर भूल जाते हैं आगे जाके इस प्लास्टिक की बोतल का क्या होगा। चमोली के गोपीनाथ मंदिर का शीर्ष भाग एक तरफ झुकने की शिकायत मिलने के बाद अब मंदिर में मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है। शीर्ष भाग झुकने की सूचना भगवान गोपीनाथ के पुजारी हरीश भट्ट द्वारा सोशल मीडिया पर दी गई थी। गोपेश्वर स्थित गोपीनाथ मंदिर का शीर्ष भाग एक तरफ झुकने की शिकायत पर भारतीय पुरातत्व विभाग ने इसका संज्ञान लिया। दरअसल अधिकारियों के निरीक्षण करने के बाद मंदिर में मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है, जिससे मंदिर के पुजारी और भंडारी भी संतुष्ट नजर आ रहे हैं। बीते दिनों भगवान गोपीनाथ के पुजारी हरीश भट्ट द्वारा सोशल मीडिया पर कहा गया था कि गोपीनाथ मंदिर बीते कई वर्षों से एक तरफ झुक रहा है। की बात करें जो दरारों की आप बात कर रहे हैं, इसमें आप ये सामने देख रहे होंगे कार्य पुरातत्व विभाग इसमें कार्य कर रहा है और ये पुरातत्व के संज्ञान में बता दिया गया है जो इसमें दरारें की जो बातें चल रही है। ये कुछ दिनों से काफ़ी लोगों की नज़र में आ रहा है कि मंदिर का जो परिवर्तन दिख रहा है एक तरफ को झुकाव, तो उसको लेके पुरातत्व को संज्ञान में बता दिया गया है और पुरातत्व की टीम कल यहाँ पर तहसीलदार SDM भी यहाँ पर विजिट कर चुके हैं, उन्होंने भी इसको संज्ञान में ले लिया है। गोपीनाथ की जो मान्यता है जो सबसे पहले ये है कि ये चतुर्थ केदार रुद्रनाथ जी के शीतकालीन गद्दी और 7 महीने यहाँ पर रुद्रनाथ जो एकानन महादेव जी के दर्शन है वो यहीं पे रुद्रनाथ जी पे और शीतकालीन पूजा यहाँ पर होती है। जैसा कि अभी अभी सोशल मीडिया पर संज्ञान में आ रहा है कि गोपीनाथ मंदिर जो है एक तरफ झुक रहा है, इसके बारे में मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि सन 1962 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा मंदिर में रिनोवेशन कार्य किया गया था, जिस कार्य में मंदिर का जो हिस्सा झुकाव बताया जा रहा है उसको एक तरफ से खोला गया था और पुनः उसको जो उसमें पत्थर लगे हुए उनकी नंबरिंग करके उसको उसी के अनुसार वहाँ पर लगाया गया था। लेकिन समय के साथ साथ और 1999 में जो विनाशकारी भूकंप आया था उसके दृष्टिगत ये दरार और चौड़ी होती जा रही है, जिसके संबंध में हमने
मंदिर के भंडारक होने के नाते और मंदिर व्यवस्थापक की तरफ से हमने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को एक लेटर भी दिया हुआ है जिसमें हमने ये सारी समस्याएं। मानसूनी बारिश शुरू होते ही जिले के विभिन्न स्थानों में हुड़क्या बोल के साथ धान की रोपाई भी शुरू कर दी गई है। हुड़क्या बोल के साथ धान की रोपाई काफी पुरानी परंपरा है। हुड़क्या बोल में स्थानीय देवी देवताओं की स्तुति करते हुए धान की रोपाई की जाती है। ये सामुदायिक एकता का भी संदेश देती है और कठिन काम को भी सरल कर देती है। कपकोट, बागेश्वर सहित गरुड़चट्टी के कई गांवों में हुड़क्या बोल के साथ धान की रोपाई भी शुरू हो गई है। हुड़क्या बोल पहाड़ की समृद्धि सांस्कृतिक परंपरा है। जिलाधिकारी ने भी खुद भी हुड़क्या बोल के साथ धान की रोपाई करने की इच्छा जाहिर की। आया है जी। हाँ, यह जो है खेती करने में जो है आदमी को थकान का एहसास नहीं होता है। इस बोल का खास यह है कि यह जो पहले से वीरता करते आए हैं उनके बारे में यह गाया जाता है। अच्छा, इसका बोल क्या था? इसका एक बार बोल बता दीजिए। इसका बोल इसका है जो बोला बरो ये हमें निस्संदेह हमें अपनी संस्कृति को बचा के रखना चाहिए। जो भी हमारी संस्कृति है पुरानी हुड़क्या बोल उसका एक पार्ट है जिसमें धान की रोपाई के करते वक्त महिलाएं गायन करती हैं और एंजॉय करती हैं। तो ये मैं सभी महिलाओं को और सभी लोगों को बधाई देना चाहती हूँ। और ये धान की रोपाई में हम लोग भी उत्तराखंड की संस्कृति को बचाने के लिए उनके साथ रहें और इस हुड़क्या बोल में सभी को मेरी बधाई और मैं भी उसका एक पार्ट बनना चाहूँगी। हरिद्वार के ज्वालापुर कोतवाली पुलिस इंश्योरेंस के नाम पर फर्जी लोन लेने वाले शातिर गैंग का पर्दाफाश करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि ज्वालापुर कोतवाली में 27 जून को अल्मोड़ा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के प्रबंधक हरिदत्त भट्ट द्वारा शिकायत दी गई थी। उनकी शाखा पर 8 लोगों द्वारा चौपहिया वाहनों के नाम पर 70 लाख रुपए लोन लेकर पैसे हड़प लिए और जो आरसी व अन्य कागजात बैंक में जमा किए गए हैं वो सब फर्जी है। बैंक मैनेजर की शिकायत पर कोतवाली ज्वालापुर ने मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपियों की तलाश के लिए ज्वालापुर पुलिस टीम गठित की है जिसने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 आरोपियों को पकड़ा है जबकि 6 आरोपी अभी भी फरार है। एक 27 तारीख को अल्मोड़ा कोऑपरेटिव बैंक के हैदर भट्ट जी हैं जो मैनेजर है वहाँ पे, उनके द्वारा शिकायत दर्ज की गई थी कि बैंक के नाम पे लोन लेते हैं और उसमें फ्रॉड किया जाता है। इस पे सीओ ज्वालापुर इंस्पेक्टर ज्वालापुर के को निर्देशित भी किया गया था और उसमें टीम का गठन करके एक गिरोह पकड़ा गया जो इस फर्जीवाड़े को अंजाम पे लाता था। उस गिरोह में जो मेंबर्स हैं तंजीम, आकाश, साकार और जागृत, ये लोग इसके मेन मेंबर थे जो एक ग्राहक पहले लेके आते थे उसके बाद वाहन के नाम पे लोन लेते थे और कुछ हिस्सा जो था वो जो कस्टमर था उसको देते थे, कुछ हिस्सा बैंक को देते थे और बाकी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने काशीपुर में एरोमा पार्क का भूमि पूजन कर प्लाटों का आवंटन किया। उन्होंने कहा कि कैंप, सेलाकुई, सुगंध व्यापार संघ दिल्ली और एश्रियल ऑयल एसोसिएशन ऑफ इंडिया नोएडा और सिडकुल द्वारा देश के प्रथम एरोमा पार्क की स्थापना उत्तराखंड में की जा रही है। यह हमारे लिए बेहद गौरव की बात है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसमें एरोमेटिक सेक्टर के विकास हेतु प्रदेश स्तर पर हमारी सरकार द्वारा एक विशिष्ट एवं समर्पित संस्थान सगंध पौधा केंद्र की स्थापना की गई है जिसे सगंध फार्मिंग द्वारा राज्य की आर्थिकी बढ़ाने का दायित्व सौंपा गया है।
काशीपुर में अपने संबोधन में सीएम ने कहा, दो दशक में राज्य सरकार द्वारा कैंप के माध्यम से प्रदेश में एरोमेटिक सेक्टर का काफी विकास किया गया है। तो भूमि पूजन कर प्लाटों का आवंटन यहां किया गया है, काशीपुर से खबर आपको बता रहे हैं। साथ ही सीएम थामी ने इस पर अपनी खुशी जाहिर की है। हमारे यहाँ खुलने से निश्चित रूप से बहुत सारे संबंधित क्षेत्र में जो हमारे यहाँ पर पौधे पहले से उत्पादित होते रहे हैं, हमारे किसानों को भी सीधे सीधे इससे लाभ होगा और रोजगार भी सृजित होगा, किसानों की आय भी बढ़ेगी और उनकी आर्थिकी भी बढ़ेगी और देश का भी। देहरादून में चार दिवसीय स्वास्थ्य मंत्रियों का चिंतन शिविर होने जा रहा है, जिसमें देश के सभी स्वास्थ्य मंत्री प्रतिभाग करेंगे। वहीं राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार देश के स्वास्थ्य मंत्रियों का चिंतन शिविर होगा। उन्होंने बताया कि एक वर्ष पहले उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उत्तराखंड में स्वास्थ्य मंत्रियों के चिंतन शिविर कराने के लिए अनुरोध किया था। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसने आयुष्मान योजना प्रत्येक व्यक्ति के लिए लागू की है और अब तक 7.5 लाख लोगों का आयुष्मान योजना से मुफ्त इलाज भी हुआ है। देखिए, उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार पूरे देश के स्वास्थ्य मंत्रियों का यहाँ चिंतन शिविर होने जा रहा है। 13 तारीख को, 14 तारीख को और 15 तारीख को और 16 तारीख पूरे देश के स्वास्थ्य मंत्री यहाँ आएंगे। मैंने जब गुजरात में देश के स्वास्थ्य मंत्रियों का एक चिंतन शिविर हुआ था 1 साल पहले, तब मैंने प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया था और स्वास्थ्य मंत्री जी से कि हमको उत्तराखंड की धरती पे जो है पूरे देश के स्वास्थ्य मंत्रियों को बुलाना है, क्योंकि चमोली जिले के कई गांवों में लिलियम की खेती काश्तकारों की आय का साधन बनने लगा है। उद्यान विभाग की ओर से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की गई योजना के परिणाम से विभागीय अधिकारियों के साथ ही काश्तकार उत्साहित हैं। बता दें कि चमोली में उद्यान विभाग ने मंडल, रौली, कोटेश्वर, खल्ला, बैरांग, सगर और गंगोल गांव के 10 काश्तकारों के 16 पॉली हाउसों में लिलियम के 25,000 बल्ब रोपित कर पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया था। काश्तकारों के पॉली हाउस में अब लिलियम के फूल विपणन के लिए तैयार हो गए हैं। इनके विपणन के लिए उद्यान विभाग की ओर से देहरादून, हल्द्वानी और दिल्ली की मंडियों से खरीदारों का काश्तकारों से सीधा संपर्क करवाकर विपणन की व्यवस्था बनाई गई है। वर्तमान तक यहां काश्तकार 40 से 50 रुपए प्रति स्टिक की कीमत से 1,000 स्टिक का विपणन कर चुके हैं। वहीं खेतों में करीब 22,000 स्टिक विपणन के लिए तैयार हो गई हैं। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि काश्तकार को 5 रुपए की लागत पर लिलियम के बल्ब उपलब्ध कराए गए थे। वर्ष में हमने जिला योजना के अंतर्गत अपने जनपद के 10 किसानों के 16 पॉली हाउस पर लगभग 25,000 बल्बों का रोपण करवाया है, जिसकी जो है वर्तमान में लगभग 60 दिन बाद, जो हमने ये फरवरी में लगाया था और लगभग 60 दिन बाद जो हमारे पास इस समय जो इसके उत्पादन की प्रक्रिया जो है गतिमान है। पूर्व में हम इस किसानों को जो है, चूंकि मार्केटिंग की अच्छी फैसिलिटी नहीं होती थी, तो इस बार हमने जो है बायबैक का भी इसमें पूरा सिस्टम रखा हुआ है। हमारी सक्सेस स्टोरी है उसमें सरतोली गांव में एक मेहन बिस्ट है और उन्होंने 10 किसानों को और भी जुड़ा हुआ है। 16 पाली हाउस में 25,000 लगभग बल्ब लगाए गए हैं और उनकी फ्लावरिंग शुरू हो गई है। लगभग 1,000 स्टिक उन्होंने भेज भी दिए और उनको एक एश्योर्ड मार्केट भी मिल गया है हल्द्वानी में और देहरादून में, तो जिससे वो काफी उत्साहित हैं और एक सफल परियोजना हमारी बनने जा रही है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन मथुरा दत्त जोशी ने सरकारी सिस्टम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि पूर्व में आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी में कुलसचिव रहते हुए मिश्रा पर कई संगीन आरोप लगे थे। विजिलेंस जांच के बाद उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। वो पहले भी कई मामलों में विवादित रह चुके हैं, पर अब सरकार ने उन्हें न सिर्फ बहाल कर बल्कि निदेशालय में ओएसडी का अहम पद दे दिया है।
इससे सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति की पोल खुल गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि भर्ती घपलों में सुर्खियों में रहे आयोग के अफसरों को भी गुपचुप बहाल कर दिया गया था। लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षा हो या अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्ती परीक्षा का मुद्दा, इन मामलों में हुई कार्रवाई ने साबित कर दिया है कि सरकारी सिस्टम भ्रष्टाचार का संरक्षण कर रही है। जेल की यात्रा कर चुका हो, जिस व्यक्ति पर भ्रष्टाचार के आरोप सिद्ध हो गए हों, अगर उस व्यक्ति को सरकार दोबारा आयुर्वेद विभाग में ओएसडी पद पर नियुक्त कर रही है तो आप इसका अंदाज इसी बात से लगा सकते हैं कि सरकार भ्रष्टाचार की कितनी बड़ी पोषक है। इसलिए हमारा जो आरोप है, हम बार बार ये आरोप लगा रहे हैं, सरकार भ्रष्टाचार को आगे बढ़ा रही है, भ्रष्टाचारियों को पुरस्कृत कर रही है और भ्रष्टाचार को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। मृत्युंजय मिश्रा। तो फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। नमस्कार।